हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं दरअसल अमरूद चुराने, क्योंकि तो हमारे गांव पर अमरूद मिलता नहीं है। तो एक मतलब बगीचा है, वहां पर हम लोग जाके आज चोरी करके अमरूद वहीं पर बिंदास खाते हैं। चलो जल्दी से अपन लोग चलते, पहले यहां पर उतर तो जाऊं मैं, कैसे चलो दो, चले नितिन, चलो चलते हैं, चलो भाई साहब, चल देखो गाइस कहां चढ़ा है, चलो चलो तो अब चलते हैं, चलो तो जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों अपन लोग। और बगीचा दरअसल नदी के साइड है, तो आइए आप लोगों को नदी भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ की नदी कितनी ज्यादा गहरी है। नहीं ज्यादा देखते हैं, चलो वही बताएंगे। अभी तो अपन कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोग नदी तो जाते नहीं है, क्योंकि हमसे तैरते बनता नहीं है, हम घर पे ही नहाते हैं दोस्तों। तो चलो चलते हैं अब। तो दोस्तों हम लोग फाइनली लगता है पहुंच चुके हैं बगीचा, और यहाँ पर अब लगता है बकायदा खेती वेती होने लगी है। ये देखिए, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ पर खेती वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा कोई है तो नहीं, यानी तो सारा घसीट घसीट हमको मारेगा। और ये रहे मेरे दोनों शेर जो चोरी करने में बिल्कुल PhD किए हैं, हर एक चीज़ की चोरी करने में बिल्कुल PhD किए हैं ये लोग। तो आज जा रहे हैं बिल्कुल अमरूद की आज चोरी करनेंगे आज। तो ये देखिए दोस्तों, इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के। चले चलते हैं जल्दी से, हम लोग अमरूद चुराते हैं और खाते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब अमरूद के पेड़ के नीचे। देखिए कितनी पकी अमरूद लगा हुआ है, देखिए दोस्तों ये, अरे ये देखिए ना दोस्तों कहाँ पर, और देखिए दोस्तों इतने प्यारे प्यारे अमरूद लगे हैं, देखिए। चलो आपको नींबू भी दिखाते, क्या पता नींबू लगा है कि नहीं, चलो आगे। और देखिए दोस्तों ये रहा कटहल का पेड़ है, लेकिन कटहल एक भी फरे नहीं है, नहीं पता क्यों। और ये रहे अमरूद के इतने सारे पेड़, और आगे अपन लोग चलते हैं अभी। और ये रहा नींबू का पेड़, लेकिन देखना पड़ेगा नींबू फरा है कि नहीं फरा है। नींबू एक भी नहीं फरा है दोस्तों, लेकिन संभाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि मछाव और डटैया यहाँ पर लगी रहती हैं, पूरा जंगल इलाका टाइप में है ये बगीचा। और देखिए दोस्तों ये रही सबसे दुनिया की सबसे छोटी नदी, आलोनी नदी। ये देखिए दोस्तों ये, लेकिन इसमें लगता पानी अब लगता धीरे धीरे सूख रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी वाले जो लोग हुए हैं सब पानी लगा रहे हैं अपने अपने खेतों में मशीनों के द्वारा, तो पानी धीरे धीरे नदी का अब कम रहा है। क्या लाए मेरे लिए भी, वाओ सच में सौरभ, व्हाट इज दिस पंचुचरी भी, ये क्या है पंचुचरी, नहीं बहुत अच्छी भी है ये, तो क्या कैसे बोल सकते हो पंचुचरी भी क्या है भाई, बताओगे मेरे को, नितिन से पूछो, नितिन बताओ तुम, मैंने ज्यादा खाता नहीं हूँ इसलिए मेरे को नहीं पता। सौरभ तुम बताओ, पंचुचरी भी जो खाने में पानी जैसी लगे। ओहो वाह, क्या संदर्भ सहित इन्होंने बताया है कि जो भी पंचुचरी होती है वो पानी के जैसे लगती है, मतलब थोड़ी मीठी थोड़ी पानी के जैसे। पानी का स्वाद तुमको पता है क्या होता है? चलो ओए दोनों होशियार हो, ज्यादा नीचे मत जाओ, नहीं तो गिरना जाना, क्योंकि 20 फीट से लगभग पानी है, मत जाओ ज्यादा नीचे, अरे कुछ ना होगा, देखो कितना अच्छा, अरे कैसे ना होगा, अभी नीचे गिर जाओगे सारे, तुम लोगों से तैरते बनता, मेरे से तैरते नहीं आता, तो मेरे से बनता है ना, इसको बचा लूंगा, किसको, सौरभ को, अरे मेरे को कौन बचाएगा, मैं हूँ ना भाई साहब, ओ भाई साहब, अबे ये मैं बोल पागल नहीं बनता, ऊपर जा तू, ऊपर जा, चल ऊपर जा, तेरे से तैरते नहीं आता, नदी किनारे का कर रहा है। वैसे नदी किनारे तो मैं भी हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे से भी तैरते आता नहीं है, नदी किनारे हम करने का आए हैं, पहले ये तो पहले इससे पूछा, हम आपको दिखाने आए, और हमारे गैंग में सिर्फ इससे वैसे तैरते आता, क्योंकि नदी के चक्कर यही ज्यादा काटता है। अरे पता नहीं क्यों काटता है भाई, अरे नहीं पहले क्या, पहले गर्मी में अच्छा मजा आता है, अच्छा गर्मी में बहुत मजा आता है। चलो जल्दी दोस्तों अपन लोग खतरे से बाहर निकले, मतलब नदी के ऊपर चढ़े हम जल्दी से। यहाँ पर इतने सारे बीह के पेड़ थे, कहाँ गए, कट गए सब, लग गए दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 300 पेड़ लगे हुए थे इस बगीचे में, लेकिन अभी देखा जाए तो मुश्किल से 50 पेड़ भी यहाँ बचे होंगे। और देखिए दोस्तों ये कहेगा पेड़ है, ये कहेगा पेड़ है भाई, ये आप ही बताओ, ये वो है यार, एक क्या क्या इसको, ओ भाई साहब साइडो जाओ साइडो जाओ साइडो, दैया लगी है, देखिए देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये काट दे तो तुरंत इंजेक्शन लगवाना पड़ता है,
क्योंकि बहुत ज्यादा जहरीली होती है, तुरंत फुला देती है शरीर को जहाँ पर काट दी। चलो चलो यहाँ पास से निकलते हैं जल्दी से जल्दी अपन लोग। चलो 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 ये वाली, चलो इसमें टंग जाओ ना। तो अब चलू पहले? हाँ इधर टंग जाओ यार। अरे इसी को, इसको डगाल को पकड़ो, फिर हम भी आते हैं ना, टेंशन ना लो। रख दे नीचे, चलो। अरे हो गया, हम भी आ रहे इसी में। देखो नितिन को कैसे चढ़ रहा है भला, बिल्कुल मुंह वाला नीचे गिर जाए। मैं भी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, तू भी आ जा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हम लोग सब देसी देसी हैं, सब देसी लोग हैं, बिल्कुल बंदरा को जैसे चढ़ना जानते हैं पेड़ों में। तो हम लोग फाइनली चढ़ चुके हैं पेड़ में। देखिए दोस्तों, हमको बिही एक मिल चुकी है, मतलब अमरूद हमको एक पहला मिल चुका है, जो कि काफी ज्यादा पीला हुआ है, पीला है। तो इसको जल्दी से अपन लोग तोड़ लेते हैं, नहीं तो कोई और मेरे कंटेंट लोग ना हाथ मार लें। तो जल्दी से मैं इसको तोड़ लूं। वाह दोस्तों, काफी मजेदार भी है यार, बहुत मस्त मजा आ रहा है। लेकिन बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, थोड़ा कड़वी है तो वहां की चलेंगे अभी। और देखिए कितनी ऊपर हम लोग बैठ के बिंदास भी खा रहे हैं, मतलब अमरूद खा रहे हैं। हाँ वही है देसी बोले, हम तो गांव में इसको भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको गांव में भी बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं? अमरूद बोलते होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। देखो दोस्तों, ये लोग भी जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ए भी जगह चक्कर में हुई लड़ाई, देखो दोस्तों, देखो देखो भी के चक्कर में लड़ाई हो गई, ये झूठे, ये भी देखो देखो भी देखो इसको भी के चक्कर। तो दोस्तों हमको काफी ज्यादा भी अब खा चुके हैं, और ये रही लास्ट हमारी भी, मैं मतलब आठ भी, मतलब आठ अमरूद मैं खा चुका हूँ। तुम लोग कितने खाए हो? मैं पांच। तीन। तीन। जल्दी से चलते हैं दोस्तों यहाँ पास से निकलें, क्योंकि अगर बगीचा का मालिक अगर आ गया तो हमको घसीट घसीट के लथोर लथोर के मारेगा आज। इसलिए हम जल्दी से जल्दी यहाँ पास से निकले ले रहे हैं। चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से।